खेलता था और कहाँ कहाँ इसका नेटवर्क है, क्या ये इंटरनेशनल गेम है? पिछले 3-4 महीने से जनपद आगरा, आसपास के जो जनपद हैं, धौलपुर, भरतपुर, आसपास के जो प्रदेश हैं, इनफैक्ट एमपी, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कई जगह पे ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही थी कि जो टावर में बीटीएस लगे होते हैं, बीटीएस जो कार्ड होता है, उसकी चोरी हो रही थी। तो इस पे हमारी जो आगरा की सर्विलांस टीम है इस और जो स्वाट टीम है और जो हमारी SOG, CIW सारी टीमें यहाँ पे लगी और जनपद आगरा में जहाँ जहाँ चोरी हुई उसका सारा हमने एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद कुछ हमें जो चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे उन गैंग के मेंबर को हमने पकड़ा। उनको पहले हमने उनकी ऑलरेडी PC कर रखी है, उनसे जब हमने पूछताछ किया तो पूरा ये एक चेन हमें हमारे सामने खुलता चला गया जिसमें ये ग्राउंड लेवल पे ये लोग चोरी कर रहे हैं। चोरी करने के बाद एक दिल्ली में एक इरफान करके बहुत बड़ा कबाड़िया है, उसको ये लोग सेल करते हैं। सेल करने के बाद वो फर्दर अपने टॉप ऊपर के टॉप बॉस को ये बेचता है और उसके बाद ये सारा जो BTS है, जो डिवाइस है जिसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 2.5 लाख है, इसको ये लोग गल्फ में और अदर कंट्रीज़ में जहाँ से इनके पास डिमांड आती थी ये लोग उसको सेल करते थे। जो ग्राउंड लेवल पे जो चोरी कर रहा है वो इस डिवाइस को 8 से 11 हज़ार रुपये में बेचता था, उसके बाद फर्दर ये 18 हज़ार से लेके 22 हज़ार 26 हज़ार तक बिकती थी और फर्दर ये जो टॉप बॉस से जो गल्फ में जाता था तो इसकी जो हम लगभग हम अनुमानित कीमत लगा रहे हैं वो 35 से 40 हज़ार के बीच में ये बेचता था, जो इसकी मार्केट वैल्यू जिसकी 2.5 लाख मैंने बताई आपको। इसमें से अभी जो थाना चनेरा हमारी सर्विलांस टीम और बाकी जो हमारे टीम के मेंबर्स हैं, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करते हुए इसमें जो हमारा इंडिया का जो इसमें टॉप बॉस था जो कि गल्फ में इसको बेचता था, जिसका नाम दिनेश बाबू पुत्र सोनपाल सिंह, निवासी किलोकरी विलेज आश्रम के पास नई दिल्ली वाला है, इसको आज हमने टावर के जो ये कीमती सामान है इसके साथ हमने पकड़ा है। जो हमने सामान पकड़ा है उसमें 15 मोबाइल टावर संबंधी पार्ट्स हैं, एक आल्टो कार है, एक मोबाइल है सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 3 लेटेस्ट मोबाइल है और साथ में 2100 रुपये इससे बरामद हुए हैं। इसने पूछताछ में अपनी जो भी इनका पूरा नेटवर्क था, नेटवर्क का पूरा खुलासा किया है और जो पुलिस है इसमें और टेक्निकल एविडेंसेस जो कि ट्रांजैक्शन के हैं, जो विदेशों से पैसे इसके खाते में आए हैं, इसने फिर किसको ट्रांसफ़र किए हैं, वो सारा हम चेन लिंक हम अभी एक से एक जोड़ रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में अभी फर्दर और भी इसमें संभावना है कि नाम आएंगे, इनफैक्ट हो सकता है कि विदेश के जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनके भी नाम हैं इसमें। हम संबंधित उनके जो अधिकारी हैं उनसे भी हम पत्राचार करेंगे। फिलहाल ये एक बहुत बड़ी घटना का हमने खुलासा किया है और इसमें सर्विलांस टीम जो आगरा की है इसने बहुत ही मेहनत की है, ये लगभग पिछले 4 से 6 महीने की ये मेहनत का नतीजा है कि हमने इतने बड़े गैंग का भंडाफोड़ किया है। सामान की कीमत क्या होगी? जो अभी हमने जो बताया कि 15 जो टावर के पार्ट्स जो पकड़े गए हैं उसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 8 से लेके 15 लाख की कीमत अनुमानित की जा रही है। इसके अलावा जो जितनी चोरियां हुई हैं वो करोड़ों में हैं, उसकी वैल्यूएशन अभी जब पूरा हमारे पास डेटा आ जाएगा तभी हम कर पाएंगे। तो ये जो डिवाइस है इसको कीमत 2 से 3 लाख है, जो चोरी करते हैं इसको बेचते हैं 11 हज़ार में, 11 हज़ार। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।